बीएचयू से संबंधित ऑल अपडेट्स, नोटिफिकेशन तथा काउंसलिंग के लिए बीएचयू कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब करें और आगे आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि 30 दिनों में, अंतिम 30 दिन में बीएचयू इंट्रेंस को क्रैक कैसे करें। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लेकिन इसके पहले आप लोग जाकर इस वीडियो के कमेंट में जरूर बताएं कि आप किस कोर्स से संबंधित हैं, यानी कि बीएचयू इंट्रेंस 2020 में किस कोर्स में शामिल होने जा रहे हैं, ये कमेंट में जरूर लिखें। और इसके साथ ही अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम पूरी तरह बता दें कि बीएचयू कौन से बीएचयू को समर्पित है। बीएचयू से जुड़ी हर प्रकार की अपडेट नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचाने का हर संभव प्रयास करती है। अगर आप लोग बीएचयू कॉन्सेप्ट से नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़े। और एक बात है, आप लोग का प्यार सपोर्ट जरूर मिले, इसीलिए कोई भी आपके दोस्त या मित्रगण हो या कोई भी आपके गांव से संबंधित हो तो उसे बीएचयू कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल के बारे में जरूर बताएं। चलिए अब हम लोग आगे बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग यही बात करेंगे कि 30 दिनों में बीएचयू इंट्रेंस को क्रैक कैसे करें, और हम लोग चार महत्वपूर्ण बिंदु पे गौर करेंगे इस वीडियो में। लेकिन इसके पहले जो बीएचयू कॉन्सेप्ट के स्मार्ट 100 में शामिल है, या फिर आपको पता होगा कि बीएचयू कॉन्सेप्ट की ओर से ये घोषणा की जा चुकी है कि बीएचयू बीए आर्ट्स और बीए सोशल साइंस में जो फर्स्ट रैंक लाएंगे बीएचयू के फाइनल एंट्रेंस एग्जाम में, उन्हें एक साइकिल उपहार में मिलेगा। तो यहाँ सवाल आता है कि किसको मिलेगा? जो स्मार्ट 100 में शामिल है उन्हीं को मिलेगा। और एक बात मैं बता रहा हूँ कि बहुत ऐसे लोग हैं जो शामिल तो नहीं है स्मार्ट 100 में, लेकिन वो बीएचयू कॉन्सेप्ट से पूरी तरह जुड़े हुए हैं, तो वो भी इस प्राइड का हकदार बनेंगे। तो कैसे बनेंगे? तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे एक फॉर्म का लिंक दिया गया है, उस फॉर्म को जाके आप लोग फिलअप कीजिए, उस फॉर्म को जाके भरिए। उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर भी मांगा गया है, तो वहां पे बहुत लोग रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं देना चाहते हैं, तो वहां पे बीएचयू कॉन्सेप्ट आप लिख देंगे तो कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, ठीक है? बाकी उस फॉर्म को जरूर भरिएगा, आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देखिए, मिल जाएगा। अब हम लोग आगे बात करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि बीएचयू कॉन्सेप्ट बीए आर्ट्स और बीए सोशल साइंस का तैयारी करवाती है, तो इसीलिए ये जो वीडियो है 30 दिनों में बीएचयू इंट्रेंस करें कैसे करें, तो किस कोर्स के लिए? तो बीएचयू बीए आर्ट्स सोशल, जो कॉमन टेस्ट होता है, इसके लिए। तो देखिए, मैं चार महत्वपूर्ण बिंदु पे बात करूंगा, और अगर अभी तक भी आप लोग कुछ नहीं भी पढ़े हैं, फिर भी आप 30 दिनों में अपने आप को एक चांस दे सकते हैं और बीएचयू आ सकते हैं, महामना जी के बगिया में अध्ययन कर सकते हैं। तो जो पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट आप लोग गौर करके सुनिए, ये पॉइंट सभी के लिए। देखिए, सबसे बड़ी बात, मेरा जो पहला पॉइंट है वो कहने का तात्पर्य यह है कि आप अभी तक जो भी पढ़े, कहीं से भी पढ़े, बहुत सारे ऑफलाइन क्लासेस से, ऑनलाइन क्लासेस से बहुत सारे आपको पीडीएफ मिले होंगे, कहीं से भी, अगर बीएचयू कॉन्सेप्ट से भी मिले हैं तो यहाँ से भी, या कहीं से भी मिले हैं तो उस पीडीएफ को, उस वीडियो को विश्वास कीजिए और उस वीडियो को पूरी तरह रिवाइज कीजिए। पहला पॉइंट ये आप लोग को बेहद ध्यान रखना है, कहीं से भी आपको जो भी मटेरियल मिला है बीएचयू बीए आर्ट्स और सोशल साइंस के लिए, कोई भी वीडियो लेक्चर मिला है, तो उन सभी को देखिए जाके और रिवाइज कीजिए, यानी कि अभ्यास। पहला जो मुख्य पॉइंट बिंदु है उसका मुख्य नाम है अभ्यास। आप अभ्यास करेंगे, क्या करेंगे? जो भी तक पढ़े, ऐसा नहीं कि भैया जी मेरे पास मटेरियल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, मतलब बहाना बनाना तो नहीं है। 30 दिनों में आप बहाना बना के क्या कर लेंगे? और एक बात है कि आपको बीएचयू आना है, ये नहीं कि अभी आप क्या कर रहे हो, अंतिम समय में आपको फिनिश करना है। और फिनिश कैसे करना है, मैं एग्जांपल से बार बार आप लोग को बताते आया हूं। और पहला जो पॉइंट है, आप लोग कहीं से भी जो भी पढ़े हैं उस पर विश्वास कीजिए, उसको बार बार अभ्यास कीजिए, क्योंकि जो भी आपको दिए हैं तो समझ जाइए कि आपके एंट्रेंस को करेक्ट करवाने के लिए ही दिए हैं, यानी कि वो मटेरियल बेस्ट है आपके एंट्रेंस एग्जाम की दृष्टिकोण से। अब हम लोग आगे बात करते हैं पॉइंट नंबर टू। देखिए, मैं एक वीडियो भी बनाकर लाया था कि हार्ट ऑफ बीएचयू इंट्रेंस, यानी मेरा कहने का मतलब है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। पॉइंट नंबर टू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है बीएचयू इंट्रेंस का, कोई भी कोर्स हो, बीएससी एजी, एमएससी एजी, या एमकॉम, बीकॉम, बीएलएलबी, एलएलबी,
बीएससी मैथ्स, बीएससी बायो, बीए आर्ट्स, बीए सोशल, कोई भी कोर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आप 10 ईयर का, कितना 10 ईयर का अगर सही से आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका बीएचयू एंट्रेंस का 50% कवर हो जाएगा। कैसे सॉल्व करना है, तो आपको पूरी तरह उसको सॉल्व करना है, आंसर के साथ साथ जो ऑप्शन में दिया गया है उसे भी सॉल्व करना है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नंबर वन, आप लोग के पास जो भी मटेरियल है, जो भी बुक है, उसे पढ़िए, विश्वास करके पढ़िए, क्योंकि आप पे खुद पे विश्वास बहुत जरूरी है। दूसरा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और जो नंबर थर्ड आता है, थर्ड जो है आपको प्रेस्टिट करने की जरूरत है। अब प्रेस्टिट कैसे करेंगे, तो बहुत सारे क्लासेस हैं जो टेस्ट सीरीज लेकर आते हैं। बीएचयू कॉन्सेप्ट ने भी बीए आर्ट्स, बीए सोशल साइंस के लिए टेस्ट सीरीज लाया। तो जो लोग यहाँ टेस्ट दिए हैं, बार बार उस क्वेश्चन पेपर को जो है मतलब प्रेस्टिज सेट के तौर पे बनाइए। और जो लोग टेस्ट सीरीज में ज्वाइन नहीं हुए हैं, वो अभी ज्वाइन होना चाहते हैं, तो आपके स्क्रीन के ऊपर एक गूगल पे, फोन पे आईडी दिख रहा होगा। इन तीनों पे जाके, तीनों में किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू, मतलब आप किन्हीं से भी पेमेंट करवाएंगे, 99 का पेमेंट करवाएंगे, तो यहाँ जो 7 टेस्ट का पेपर हुआ है वो आपको मिल जाएगा। सबसे बड़ी बात है जो जो टेस्ट हुआ है वो हिंदी में हुआ है, ठीक है। हिंदी में क्वेश्चन पेपर है, इसीलिए जो हिंदी मीडियम के हैं वही यहाँ जुड़ेंगे, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इंग्लिश मीडियम से भी है, लेकिन 2 ही टेस्ट है, तो उनके लिए 99 रुपये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए जो अभी तक कहीं भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किए हैं, बीएचयू कॉन्सेप्ट को करना चाहते हैं, तो ज़रूर वो 7 टेस्ट सेट खरीदिए, यानी प्रेस्टिज सेट, उसे घर पे बैठ के बनाइए। उन सभी सेट का आंसर यूट्यूब पे बीएचयू कॉन्सेप्ट के प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, तो वहाँ पे आप जाके मिला के चेक कर सकते हैं कि आप कितना बना पा रहे हैं, यानी आपका तैयारी किस लेवल पे है। और सबसे बड़ी बात है कि वो जो टेस्ट सीरीज में है ना, उसमें पूरी तरह से बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम में जो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, और जो क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं उसको वहां पे सेट किया गया है, इसीलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। नंबर चार, जो नंबर चार है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण यह है कि जैसे ही कल संध्या के समय आपका एग्जाम का ऑफिशियल फाइनल डेट आया, उसी डेट के बाद बहुत सारे स्टूडेंट बेचैन हो गए हैं, यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि उनको टेंशन होने लग गया कि अभी एग्जाम में 1 महीना ही बचा है, यानी 30 दिन ही बचा है, अब हम क्या करें। तो अभी मैंने 3 बिंदु को बताया, उन तीनों बिंदु को आप फॉलो कीजिए, अब एक चांस आपका बीएचयू एंट्रेंस में क्रैक होने का जरूर बनेगा, और एक सीट जरूर आपके नाम होगा। लेकिन बशर्ते आपको दिल से, खुद का मेहनत बहुत जरूरी है, यानी आप अपना मेहनत फुल एफर्ट लगा दें, यानी मेरा बार बार कहने का मतलब यही है कि अब की बार महामना की द्वार। और नंबर चार जो सबसे बेहद इंपॉर्टेंट है, नंबर चार पे जो मैं बताने जा रहा हूँ वो यही बताने जा रहा था कि बहुत प्रेशर आएगा आपके सामने। अभी जो है ना, हर एक दिन ऐसा लगेगा, हर एक समय जब आप पढ़ेंगे तो आपके मन में ये सवाल आएगा कि मेरा होगा कि नहीं होगा, मतलब टेंशन, तनाव बोल सकते हैं उसको, कि मेरा एग्जाम करेक्ट होगा या नहीं होगा, प्रेशर रहेगा आपके ऊपर, पूरी तरह दबाव रहेगा। तो आप लोग को मैं बता दूं कि कोई भी महान व्यक्ति हो, महान व्यक्ति जो भी बने हैं, उनका जो सबसे बड़ा बिग पॉइंट रहा है वो यही रहा है कि वो अपने आप को प्रेशर, जो दबाव उन पे बनता है, जो टेंशन तनाव आता है, उन सभी पे वो विजय पा लेते हैं। तो यानी कि आप भी इन सभी को नहीं सोचिए कि सवाल आएगा, आपके मन में आएगा। यूपीएससी जो फर्स्ट रैंक लाते हैं उनको भी नहीं पता होता है कि मेरा फर्स्ट रैंक आएगा, यानी सभी के ऊपर दबाव होता है, इसमें कोई शक नहीं है, तनाव होता है। तो आपको इन सभी पे विजय हासिल करके महामना जी की बगिया में आना है और अध्ययन करना है। अध्ययन कैसे करेंगे, मैंने 30 दिन की प्लान में बताया, आप लोग एक चांस आप अपने आप को दीजिए। सबसे बड़ी बात देखिए क्या, कोरोना का जो अभी सीजन है बहुत ज्यादा है, आप लोग को पता ही है, घर रहिए, सुरक्षित रहिए, घर रहिए, किताबों से साथ दोस्ती कीजिए। 30 दिन को ही आपसे मांगे हैं, ज्यादा कहाँ,
30 दिन में बीएचयू क्रैक होगा, आराम से होगा। जो लोग अगर अभी कुछ भी नहीं पढ़े हैं, बताए गए वीडियो में सभी नियम को फॉलो कीजिए, जो भी हमने कहा, जो हमने बताया इस वीडियो में, सभी चीजों को आप फॉलो कीजिए, जरूर आपका एक चांस बनेगा, जरूर आपका एक सीट कन्फर्म होगा बीएचयू में। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप सभी को जय हिंद।